प्रिय माता पिताओं और भाई बहनों सबको जय जिसु। सामान्य काल का सोलहवां रविवार आज हमारे लिए तीन पाठ दिए गए हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्याएं 13 और 16 से 19 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्याएं 26-27 तक और सुसमाचार मत्ती रचित अध्याय 13 वचन संख्याएं 24-43 तक। तीनों पाठ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं और स्वयं के लिए संदेश ले सकते हैं। फिर भी आइए आज हम एक साथ मिलकर कुछ बातों पर एक साथ मनन चिंतन करें। परमेश्वर मानव जीवन में अच्छी बीज बोते हैं, पर शैतान चोरी छुपके जंगली बीज यानी बुराई का बीज मानव जीवन में बोता है, और स्वामी नहीं चाहता कि सेवक जंगली बीज को उखाड़ के फेंके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज को उखाड़ के फेंकते फेंकते अच्छी बीज या तो अच्छे पौधे भी ना उखड़ जाए। और इसलिए स्वामी चाहता है कि अंतिम दिन यानी कटनी के समय दोनों एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। यहां हमारे लिए चर्चा का विषय है स्वर्गराज और लोग। लोग जो स्वर्गराज के लिए चुने जाएंगे और जो रिजेक्ट किए जाएंगे। स्वभाव से जंगली बीज गेहूं में बदल नहीं सकता है और उसी प्रकार गेहूं जंगली बीज में बदल नहीं सकता है, पर इंसान के लिए ऐसी बात नहीं है। बुरे लोग अच्छे हो सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, और इसीलिए परमेश्वर दोनों को भले और बुरे सभी इंसान को एक साथ जीने देते हैं, एक साथ बढ़ने देते हैं। कलीसिया में और समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, भले और बुरे। ईश्वर कटनी के समय यानी अंतिम विचार के समय दोनों को एक दूसरे से निश्चय अलग करेंगे। परमेश्वर अत्यंत दयालु हैं, वे बुरे लोगों पर भी दया करते हैं। सबों को जीवन में विकास करने के लिए, जीवन में धार्मिकता में बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, और ये बात आज के पहला पाठ में भी स्पष्ट है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 12 वचन संख्या 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर दयालु है, कृपालु है, और यही बात आज के दूसरे पाठ में भी हम लोग सुनने को पाते हैं। रोमी अध्याय 8 26 वचन संख्या में 26 और 27 में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हाँ, आत्मा हमारे लिए विनती करता है जिससे हमें ईश्वरीय सहायता प्राप्त हो। और उतना ही नहीं, ईश्वर दयालु है, कृपालु है, ये ठीक है। इसके साथ ईश्वर और चाहते हैं, जैसा कि आज के पहला पाठ का आखिरी सेंटेंस में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए। धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाता कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ईश्वर दयालु है, क्षमाशील है, और वही ईश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों के प्रति सहृदय बने, और तब जाके अंतिम विचार के समय, कटनी के समय हम स्वर्गराज के लिए चुने जाएंगे।
हमारे मनन चिंतन के लिए और एक खास बात, जब खेत में अच्छा बीज बोया गया उतना तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मालिक घर लौटकर सो गया उसी समय शैतान जाके जंगली बीज बो डाला। जब मालिक सो गया, हमारे जीवन में धर्मिता में बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में अच्छे पौधे को बढ़ाने के लिए हमें परिश्रम करना है, हमें सोना नहीं है, जागते रहना है। इसीलिए अंतिम गेत्सेमानी बारी में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने तीन शिष्यों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहां आज का सुसमाचार में देखते हैं, मालिक बीज बोकर सो गया और जब सो गया उसी समय ये हरकत हुई कि शैतान आके जंगली बीज बो डाला। जब हम हमारे जीवन में इसी प्रकार के बुरे आदत के नींद में सो जाते हैं, साथियों के साथ जब हम मौज मजलिस या तो और इसी प्रकार के कई बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पवित्र वचन प्रार्थना और ईश्वरीय शिक्षा कलीसिया की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम सो जाते हैं और उस समय हमारे जीवन में बुराई हमारे जीवन में आगे बढ़ता है, पेड़ पौधा के सदृश बढ़ने लगता है और वही जंगली बीज हमारे जीवन में फुनफुनाने लगता है। और इसलिए आज के सुसमाचार में और दो दृष्टांत है, खमीर और राई का दाना, छोटे बीज छोटी चीज। इसी प्रकार हम हमारे जीवन में छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी बातों में ध्यान देंगे अच्छे कामों में और इस तरह हम धार्मिकता में बढ़ेंगे और तब ये आगे चलकर बहुत फसल पैदावार होगा और हम लोग ईश्वर के राज्य के लिए चुने जाएंगे, योग्य ठहरेंगे। नहीं तो आखिरी दिन हम भी रिजेक्ट किए जाएंगे और ईश्वर के योग्य नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहनों, आज आइए हम आज का दिन प्रभु के साथ कुछ समय हम व्यतीत करें, प्रार्थना करें, आशीष मांगे जिससे हम हमारे जीवन में ना सो जाएं, लेकिन प्रलोभन बुराई के प्रति सतर्क रहें, जागृत रहें। जागते रहने से हम ईश्वर की इच्छा जान पाएंगे, ईश्वर की इच्छा पूरी कर पाएंगे। और जैसे कि हम बीते सप्ताह हम लोगों ने सुना कि कई बीज जो बीज अच्छे जमीन पर अच्छी भूमि पर गिरे थे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फसल लाए। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही प्रचुर फसल उत्पन्न करेंगे, धार्मिकता का फसल, जिससे हमें और दूसरों को भी इससे फायदा हो पाएगा, जिससे हम एक साथ स्वर्गराज के यात्री के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप सबों को प्रचुर आशीष दे। इस समय आप लोगों के घर और परिवार में ईश्वर की उपस्थिति हो, हर प्रकार की बुराई से रक्षा करे और आप लोगों को बीमारी से कष्टों से मुक्ति दे। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे परिवार में हमारे देश में राज्य करे और ईश्वर की राज्य चारों तरह सर्वत्र फैल जाए। आमीन।